ओ भाई साहब, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और यार आज हम फिर आ गए गैंगस्टर सीरीज के एक और एपिसोड के साथ। और यार अभी आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रैंकलिन जो है वो पूरा मास्क वगैरह डाल के पूरा रेडी है, क्योंकि ये एक जो है ना कार रॉबरी करने जा रहा है। तो चलते हैं जल्दी से। बाकी जो है वो सारा मैं आप लोगों को रास्ते में बताता हूँ। खैर, लोकेशन हमने लगाई हुई है, जल्दी से चलते हैं उधर। हमें जो है इसके लेस्टर ने बताया था, आप लोग बताए कि हम लेस्टर से मिले हैं। तो लेस्टर ने जो है ना कहा कि फ्रैंकलिन, देखते हैं आज तू कितने काम कर सकता है। तो उसने इसको कहा है कि यार एक लैम्बोर्गिनी है जो पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है और उसी आदमी के पास ही है, तो वो किसी किस तरीके से जो है ना उसको चुरा के ला। खैर, अभी हम लोग जा रहे हैं और अकेला जा रही है। उसने कहा कि भाई ऐसे काम अकेले करेगा तभी तुझे आगे कुछ ज़्यादा तो बढ़ पाएगा। खैर, हम अपनी इसी गाड़ी पर जा रहे हैं और इस गाड़ी को हमें आज अलविदा कहना पड़ेगा। फ्रैंकलिन काफ़ी फेवरेट कार थी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, लैम्बोर्गिनी भी तो आनी है ना यार। तो उसको फिर वहाँ से लेकर हमने सीधे अपने वेयर हाउस पर जाना है। वहाँ पर जाकर हम उसको छुपा सकते हैं, या फिर लेस्टर के जो जो मतलब इनका बेस है ना उधर जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि यही दो जगहें हैं जो सबसे ज़्यादा सेफ हैं, एक तो इसका जो है मैंने बताया आप लोगों को वेयर हाउस, और दूसरा जो है इनकी बेस। जो इनकी बेस है ना उधर, तो भाई बाकी लोग भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना हम यही करते हैं कि इसके वेयर हाउस पर ले जाएंगे, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता किसी को भी जो है ना और किसी को खबर हो। तो इसलिए वहाँ से मैं फिर उसको लेकर तो फ़ौरन से निकलना होगा, और कोशिश करती हूँ कि गाड़ी ज़्यादा लगे ना, क्योंकि गाड़ी यार जब पुलिस पीछे होती है ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन आज कोशिश करनी है कि गाड़ी ना लगे, क्योंकि यार वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है और पूरे लॉस सैंटोस में एक ही है वो। जब वो तो अब जब आप गाड़ी देखोगे ना तब भी आप लोग कहोगे कि हाँ भाई गाड़ी अनोखी है कुछ, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना आखिर मतलब लेवल कार है इस गाड़ी को। तो अब हम जैसे मर्जी ले जाएं, कहीं ठोक के ले जाएं या जैसे मर्जी ले जाएं, क्योंकि आज तो इसका आखिरी दिन ही है, इसके बाद इसने हमारे पास रहना नहीं है। ये गाड़ी तो छोड़ के जाहिर सी बात हमने आना, और हम थोड़ी सी तैयारी वगैरह भी की हुई है, क्योंकि उसने लेस्टर ने हमें बताया कि उधर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि तेरी सोच है। तो हम ज़रा ड्रोन वगैरह तो हम ज़रा ड्रोन वगैरह लेके जा रहे हैं, तो हम चेक कर लेंगे पहले ही कि कितनी सिक्योरिटी है। ओके गाइस, तो हम इस लोकेशन पर आ गए हैं, और ये जो है ना मतलब लॉस सैंटोस का बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास ये गाड़ी है। जाहिर सी बात है तब भी उसके पास ये गाड़ी है। और अभी मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। पहले हम ड्रोन यूज़ करेंगे ताकि हमें जो है ना उधर सिक्योरिटी का पूरा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अगर हम वैसे ही कुछ करेंगे ना तो यार बहुत ही बुरा फंस जाएंगे भाई। फंसता नहीं है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचें। इधर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी कहीं पर, और जो है हम फिर चेक करते हैं कि यार कितनी सिक्योरिटी है, क्योंकि वो घर जो है ना, घर तो नहीं है यार, मतलब बंगला बंगला लगा लो, बंगला साथ ही है थोड़ा सा। तो उधर जाकर देख, ड्रोन अपना निकाल लेते हैं और चलते हैं। तो वो सामने वाला जो है ये है बंगला ही है, देख लो। अब मैं ड्रोन की वजह से इसलिए देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही देखूंगा ना तो यार तो मसला हो जाएगा। खैर, गेट के ऊपर सिक्योरिटी चेक करते हैं, थोड़ा दूर दूर से चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रोन देख लिया फिर भी मसला हो जाएगा। ओके, तीन कार्स तो भाई यहीं पर खड़ी हैं। के बाद अब ये कहाँ पर कार चढ़ाया हुआ, ये देखो। सिक्योरिटी के पहले हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओ भाई साहब, इसका इस गेट पर भी सिक्योरिटी है, अंदर भी इसके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दरवाजे हैं तो वहाँ से चेक करते हैं। इस दरवाजे पर भी सिक्योरिटी है, और आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर भी सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। के बाद हमें देखना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी है। दरवाज़ों पर तो बस यही है, अब अंदर की सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। ओके, एक तो ये गार्ड ऊपर खड़ा छत पर, जब जाके मैं जाना होगा, वरना उन्होंने ये देख लिया ना फिर भी मसला हो जाए। एक गार्ड यहाँ पर खड़ा है, एक और सामने खड़ा है, और ओके, गाड़ी हमारी किधर है, हम तब उसी प्लान से जो है ना फिर जाएँ और करें सारा अपना काम। तीन गार्ड्स इधर खड़े हैं, एक वो और उधर छत पर खड़ा है, और इधर और जितनी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ हमें गाड़ी चाहिए वो भी इधर ही अवेलेबल हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके गाइस, तो वो रही हमारी लैम्बोर्गिनी। और भाई साहब, अब यहाँ से हमें ड्रोन को तो छुपाना पड़ेगा फिलहाल, पहले गार्ड्स। अब हमें पता चल गया कि गाड़ी हमारी वो खड़ी है, ठीक है। यहाँ से निकले, पहले ड्रोन को ऊपर कर लेते हैं, वरना एक मिनट लगना है उन्होंने पकड़ लेना इसको भी, और फिर तो मुझे पकड़ते हुए उनको दे देने लगेगी।
वो रही हमारी गाड़ी। और ओके, तो कोई प्लान सोचते हैं हम, पहले चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, ड्रोन को वापस रखते हैं और फिर जो है हम कोई प्लान सोचते हैं अच्छा सा। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा है कि कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब चलते हैं जल्दी से आगे और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें गार्ड्स गिराने पड़ेंगे। अब मेरा क्या ख्याल है कि यार जिधर एक गार्ड है ना, उसको हम पहले जाकर किस तरीके से जो है ना बेहोश करें, क्योंकि मैं स्टन गन भी ले आया हूँ, उसके अंदर ये होता है कि वो करंट होता है उसके अंदर, तो उसकी मदद से जहाँ पर एक गार्ड है ना इस साइड पर, उसको मेरा ख्याल है कि पहले उसको जो है ना गिरा देते हैं, लेकिन उसकी तरफ गन करेंगे तभी मसला हो जाएगा। गाड़ी इधर ही छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। ये रही अपनी स्टन गन, बस वो देख ना ले, अब इधर आराम से जाना पड़ेगा। रेंज इसकी कम होती है, वरना मैं यहीं से करता। देख ना ले, देख ना ले। ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस। बाकी इधर उधर के लोगों ने रौला डाल दिया, वैसे ये तो बेहोश हो गया। दरवाज़ा खोलो। यस 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 यस। ओके, यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है अभी तक। वो एक खड़ा है, उसको अभी इस तरीके से गिराना होगा, क्योंकि जो दूसरे गार्ड है ना वो अंदर, वो बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर है दूसरा गार्ड, को किस तरीके से गिराते हैं। अबे भाई भागना ज़्यादा। रेंज देखते हैं, अगर यहाँ से पहुँचती है, अगर ना पहुँचे ना तो फिर मसला हो जाएगा। बस आई होप कि इसकी रेंज जो है पहुँचे वहाँ तक। ओ शिट, शुक्र उसको पता नहीं चला। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। देख ना ले बस। ओके, यहाँ से तो पहुँच ही जाएगा यार। ओके 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 ओके, ये भी गया। सारे भी होश कर रहा हूँ मैं भी। यहाँ पर बाहर कितने गार्ड्स थे मुझे अभी याद नहीं, एक ही। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गिरा रहा हूँ ताकि बाद में कोई हमें जो है ना मसला ना पड़ जाए, क्योंकि बाद में अगर गार्ड ज़्यादा हो गए ना तो फिर और मसला होगा। ओके, और कहाँ पर थे गार्ड? पीछे से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सामने से गया ना। और ओ, यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा सर। वो सामने गार्ड खड़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, किस तरह हम गिराए उसको, किस तरह गिराना होगा। लेकिन उससे पहले यही एक रास्ता लग रहा है मुझे, यहाँ से भी हम नहीं जा सकते ऊपर। ओके, वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन बस वहाँ पर गार्ड्स ना हो ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहता कि कोई मसला बने। ओह, एक गार्ड वो खड़ा है, यहाँ पीछे से जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर उधर से तो वो देख लेगा मुझे। इसको किसी तरह गिराना होगा। अबे हैंगी, ये तो शुक्र है इसका साउंड इतना नहीं है, वरना हम कब के फंस जाते। ओहो गाइस, किसी किसने पुलिस को कॉल कर दिया, और जो आप लोग देख पा रहे गार्ड्स कितने ज्यादा। मैप मैप पे चेक कर सकते। अब हमें दूसरी गन निकालनी पड़ेगी। ये अलग ही नशे करके खड़ा भाई साहब, भागो। अभी तक तो शुक्र है इधर तक तो कोई नहीं पहुंचता, लेकिन उस साइड पर जितने भी है ना सब गार्ड्स को हमें गिराना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। इधर से किसी ने देख के पुलिस को कॉल कर दिया, तो भाई मसला हो गया काफी। किसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं लोग? अबे भाई निकल, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। यहाँ ऊपर एक था, उसको पहले मारना पड़ेगा भाई साहब, वही गोलियां चला रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट डली हुई है, देखते हैं अब ये कब तक हमारा साथ देती है। ओके, वहां पर भी है एक हेलीकॉप्टर आ चुका है। ओके, रिलोड कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो कोई।
वो सामने आ गया एक को, मेरे ख्याल से फर्स्ट पर्सन में गिराना पड़ेगा आप सबको। ये भी गया, ये भी गया, गया, गया। यार ये प्लेन प्लेन काम खराब कर रहा है, हेलीकॉप्टर जो है ना काम खराब कर रहा है। एक और दिया इधर से, तो ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, दोनों गए दोनों गए दोनों गए। रिलोडिंग जरूरी है, इधर हमारे पास कोई और गन हो। ये गन काफी ज्यादा काम दिया है वहां पर। तो भाई कहाँ पर है भाई, नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट पर्सन में मुझे चलाना पड़ेगा सब कुछ। ये ऐसे नहीं मानेंगे, अबे भाई इधर एक ही हल है मेरे पास। अबे बच, कहाँ से हो रहा है मेरे ख्याल से, मुझे मेरे ख्याल से एक गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। इसका तो हमने काम तमाम किया ही नहीं था, इसलिए वो कब कब फसला डाला हुआ था इसने। जैसे में हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं ना, रिलोड 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 रिलोड, नज़र ही नहीं आ रहा यार, यहाँ से मैं निकल नहीं सकता जल्दी। ओके ओके ओके, काफ़ी हद तक हमने खाली कर दिया। मुझे मेरा ख्याल है पहले जो है ना उधर ही दरवाजे पे फेंकना पड़ेगा, ताकि दोबारा उधर कोई ना आए। भाई साहब किधर है भाई, इधर ही कोई नहीं आ रहा। मैं भी अब इधर से नहीं निकल सकता, क्योंकि उनको फिर मेरी लोकेशन सही मिल जाएगी। असल कहाँ से चला रहे हैं कोई, हाँ तो पहले एक जहाज वाले को मुझे उड़ाना पड़ेगा। ये लॉन्चर भी तो आया है सच मेरे पास, इसके लिए मैं बोल गया था। ये नहीं काम चले, वो मशीन गन, यस यस यस। आधे वेपन्स तो मुझे अपनी याद नहीं थे, इनका हेलीकॉप्टर का भी तबाह करते हैं, ताकि उनको कम से कम नुकसान तो अच्छा खासा हो। रिलोडिंग रिलोडिंग रिलोडिंग, मुझे
मुझे अब इन्हें से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है ना सबसे ज़्यादा इस वक्त काम दे सकते हैं। और फिर जैसे ही मुझे कोई रास्ता मिलेगा हम निकल जाएंगे यहाँ से। काम आ रहा है, काम आ रहा है। अब मुझे फर्स्ट पर्सन से हटाना पड़ेगा इस बार। किसी तरीके से मैं ऊपर चढ़ जाऊँ ना फिर मसला नहीं है। यार वैसे इससे ज़्यादा डैमेज है ना इस गन का मेरे ख्याल से। इनके पहले तो गाड़ियाँ ही तबाह करूँगा, क्योंकि सारे गाड़ियों के पास घूम रहे हैं। खुद भी बचना होगा मैं आग से। ओके ओके ओके, 5 stars गाइस, तो करना पड़ेगा। हैंग कवर मुझे बस ये नजर आ जाए, फर्स्ट पर्सन ही काम आएगा। यही एक मेन रास्ता है, इन्होंने पकड़ा हुआ, इसी से सारे आ रहे हैं ज़्यादातर। हेलीकॉप्टर किधर है? हेलीकॉप्टर, ओ भाई साहब कवर किसको दे रहे हो भाई, किधर खड़े हो? आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। एमओ बहुत कम है मेरे पास इस गन का। ओ भाई साहब, फिलहाल गाइस अभी हम जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर निकले। गन अपने पास पिस्टल रख लेते हैं, ताकि जो भाई इसकी जरूरत किसी भी टाइम पड़ सकती है। कोई भी एकदम ही आगे आ सकता है, तो गन निकालने में देर भी हो जाती है। ओ सच, ओहो शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, हमारी जो गाड़ी है वो सेफ है अभी तक। देखो पिस्टल काम आ गया, ये एक ही बचा था मेरे ख्याल से। और भी है कोई, और भी है कोई, और भी है, हमें बचना होगा। भाई साहब उसने गाड़ी पर भी कुछ गोलियाँ चलाई हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, क्योंकि अब हमें इसको लेकर जाना है अपने जो है वेयर हाउस पर, ताकि हम इस गाड़ी पर जो है ना एक बार के लिए तो बिल्कुल गाइड कर सकें। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पीछे आएगा, क्योंकि हमने जितना आप लोगों ने देखा है जितना उधर काम खराब हुआ है ना, या तो पीछे से मिलिट्री आ रही होगी, क्योंकि मिलिट्री आ गई ना भाई फिर तो नहीं बच सकते थे हम। पुलिस वाले पीछे पीछे खड़े होकर लड़ रहे थे कुछ ज़्यादा, एकदम से आगे नहीं आए जिसकी वजह से हम बच गए।
अभी तो मैंने फुल स्पीड भी नहीं दी हुई, तब भी गाड़ी इतनी स्पीड में है। पहले मैंने हाफ स्पीड दी हुई है, एक्सेलेरेटर हाफ प्रेस किया था, तब भी गाड़ी की स्पीड देख पा रहे हो यार। ये थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, चलो कोई नहीं, फिलहाल तो हमें बस भी आना उधर पहुँचना किसी तरीके से, उधर जाकर फिर हम बाकी जो है ना चीज़ें वो चेक करते हैं। कैसा क्या है जिसकी वजह से लेस्टर ने हमें कहा था कि ये गाड़ी चाहिए, इस गाड़ी के अंदर कोई तो खासियत होगी। ये रहा अपना जो है वेयर हाउस, जल्द इस गाड़ी को जाकर उधर खड़ा करते हैं। ओके तो मेरे ख्याल गाड़ी को जो है ना इधर बाहर खड़ा करना सेफ नहीं है, तो इसको हम अंदर जाकर ही चेक करते हैं, बिल्कुल गैराज के अंदर खड़ा करके, वेयर हाउस अपने के अंदर मतलब खड़ा करके। फाइनली हमने गाड़ी सेफली खड़ी कर ली अंदर। ओके अब यार देखता हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि अभी इधर अंदर तो कोई नहीं आ सकता जब तक मैं नहीं चलूँगा, तो ये हमारा ये नहीं खुल सकता शटर जो, तो अब देखते हैं इस गाड़ी के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से जो है ना उसने इतना कहा था कि भाई ये गाड़ी तुझे चुरा लेगा, मतलब तू बेस्ट लैम्बोर्गिनी हो रखा ना। वैसे वैसे ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस में मैंने आज से पहले नहीं देखी, लैम्बोर्गिनी देखी है, हुरकान भी है उधर, लेकिन इस तरह की गाड़ी नहीं देखी, मतलब जैसे इसका लाइब्रेरी इसके ऊपर लगी हुई है। आपका क्या ख्याल है गाइस, तो खासियत हो गई इस गाड़ी के अंदर? ओके तो मैं अभी इसको जाना सिर्फ इधर ही एक बार टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसका जो है साउंड वगैरह सही तरीके से नहीं सुना था। साउंड तो आप लोग सुन पा रहे हो यार, ये गाड़ी भी इसको जो है ना उतनी मिलेगी, ये लेस्टर और इसने दोनों मिलकर है, क्योंकि तो प्लान उसका था अंजाम इसने दिया, लेकिन लेस्टर और इस दोनों की मेहनत है। साउंड सुनो गाइस, कुछ तो है यार इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी का वैसे खैर वापस अभी खड़े करते हैं, उसको हम फिर बुलाएंगे और लास्ट को हम गाड़ी फिर पहुंचाते हैं, लास्ट को गाड़ी हम पहुंचाएंगे और उसके साथ ही कोई और भी जो हमारा काम होगा वो भी कंप्लीट करेंगे, और उससे पूछेंगे भाई इस गाड़ी के अंदर क्या ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से जो है ना उसने हमें इतना कहा था कि भाई ये गाड़ी तुमने कर ली ना तो फिर बेस्ट है। खैर तो अब इसको हम एक तो दिन के अंदर वापस पहुँचाएंगे, और यार आप सब कह रहे थे कि भाई गैंगस्टर सीरीज़ के वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही, गैंगस्टर सीरीज़ के वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही, तो भाई आज आ गई है, आगे इंशाल्लाह हम रहेंगे रेगुलर, और आज सेकंड वीडियो भी आएगी करेक्टर सीरीज़ की, उम्मीद पूरी है, पूरी कोशिश है मेरी कि सेकंड वीडियो भी आए। खैर तो चलिए फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।